दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसे हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर तो देख ही लेते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जो दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है और पूरी दुनिया में कॉकरोच की 4000 से भी ज्यादा प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। और कॉकरोच एक सर्वाहारी प्राणी है, मतलब वह प्राणी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। और कॉकरोच ज्यादातर प्लास्टिक, बुक कवर और हेयर्स को कंज्यूम करते हैं। और कॉकरोच तकरीबन एक महीने तक बिना खाए रह सकते हैं और बिना पानी के तकरीबन एक हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार कॉकरोच के पास सफेद खून पाया जाता है क्योंकि कॉकरोच में हीमोग्लोबिन की कमी भारी मात्रा में होती है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से इंसानों का खून लाल होता है। और इसके अलावा कॉकरोच के पास ब्लड वेसल्स भी नहीं पाए जाते। और कॉकरोच के पास 6 लेग्स और 18 किडनी पाई जाती है। और कॉकरोच एक बहुत ही लेजी एनिमल है जो 3 घंटे से भी ज्यादा समय एक ही जगह पर बिताते हैं। और कॉकरोच बिना सर के कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कॉकरोच तकरीबन 40 मिनट तक अपनी सांस रोक के रह सकते हैं। और कॉकरोच डायनासोर के जमानों से पाया जाता है और चाइना में कॉकरोच को मारकर खाया जाता है। और कॉकरोच ज्यादातर इंसानों के करीब ही रहते हैं। कॉकरोच तकरीबन 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कॉकरोच का जीवन काल बताया नहीं जा सकता। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।